गोपू पहले दबाओ। क्या क्या बोल रही है? हेलो हेलो गोपाल जी। जी गोपाल, दिस कॉल इज फ्रॉम द एचआर डिपार्टमेंट एंड दिस इज टू इन्फॉर्म यू कि आपको कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, कल से आप वर्क फ्रॉम होम करेंगे। व्हाई सर? बिकॉज आपके कारण ऑफिस में प्रोडक्टिविटी लोगों की बहुत कम हो जा रही है, स्पेशली गर्ल्स। सर ये कैसे सर? एक्चुअली आई टेल यू, आप ऑफिस में परफ्यूम लगा करके जाते हैं, इतना परफ्यूम लगाते हैं लड़कियों का ध्यान केंद्रित हो जाता है, दे आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू एंड वो काम पर फोकस नहीं कर पा रही हैं। गेटिंग माय पॉइंट? जी जी। तो आपका वर्क फ्रॉम होम? जी तुम ऐसा करते हैं कि हाँ हेलो जी, कल से मैं परफ्यूम लगा के फिर नहीं आता हूँ। नहीं नहीं तो फिर तो लड़कियां मर जाएंगी। क्या बात कर रहे हैं सर? ये देखिए, आपके घर में गीजर है, पानी है, फिर भी आप नहाते नहीं है, ठीक है? खाली परफ्यूम लगा करके ले आते हैं। आप बोल जब आप बोले तो एचआर डिपार्टमेंट से, आप जब आप बिना नहाए बिना परफ्यूम लगाए ही ऑफिस पहुंच जाएंगे तो लोग मर जाएंगे ना। हम शुभचिंतक बोल रहे हैं भैया आपके, एचआर विचार से नहीं है, एचआर विचार से नहीं है, शुभचिंतक। नहाया करे आप, बहुत शुभचिंतक अपना लो, ठीक है? वाला फोन मत करो सुबह सुबह, माथा खराब हो, वैसे भी गाली दे देंगे कुछ। गाली तो दे चुके आप, हम आपका सुची हेलो हेलो भैया। हाँ कौन? हाँ वो नाके का जो रेस्टोरेंट है ना, वहाँ से बोल रहे थे। हाँ बताइए। ओ मतलब चाउमीन और अंडे उबालने थे भैया। तो भाई हमको कहेंगे थी फोन किए हो यार, चाउमीन अंडे उबालने हैं तो। अरे भैया आपके पास वो गर्म पानी का है ना, वो दे दीजिए ना हमें, हमको बहुत काम आएगा। अरे आधा लगल आदमी हो क्या यार, ठंडा के मौसम में तुमको गीजर क्यों दे दें हम? अरे गीजर दे दो आप तो, मतलब नहा। इसीलिए भैया कहे कि हम शुभचिंतक बोल रहे हैं, गीजर का तो कोई इस्तेमाल नहीं है आपका घर में, समझ रहे हैं आप? देखो जहाँ तुम हो ना वहीं आके तुम्हारा देंगे, तुम जानते नहीं तुम कहाँ फोन कर रहे हो। ये जो तोड़ने तारने के लिए आएंगे ना, पहले नहा के आइएगा, ठीक है? अरे फोन रखो यार, गजब हो गया यार, बोल बहुत तेज अजब आदमी, भैया नहा करके आइएगा समझे, जहां भी तोड़ने के लिए। हेलो गोपू। कौन? गोपू पहले दबाओ। क्या क्या बोल रही है? हेलो फिर 5 मिनट के लिए चलाओ। अरे क्या बोल रही है, किससे बात करना है? गोपाल ना। हाँ गोपाल बोल रहे हैं। हाँ तो गोपाल पहले दबाओ फिर 5 मिनट के लिए चलाओ और उसके बाद में सर। अरे पागल हो गई है क्या, किससे बात करना है, बोल कौन रही है आप? गोपू सुनो, पहले स्विच दबाओ, 5 मिनट के लिए गीजर चलाओ, फिर शावर के नीचे खड़े होकर के सर गोपू। अरे क्या यार, किसको? शुभ चिंतक बोल रहे हैं। बोल कौन रही हैं आप? शुभ चिंतक समझे। अरे नहीं हो क्या यार, एकदम दिमाग में तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है क्या, बाल नहीं आके अपनी थोड़ा और दीजिए ना, बोल रहे हो। अरे नहाते का ही नहीं हो गए हैं, नहाते का ही नहीं हो हैं, 5-5 दिन में एक नहीं आ रहे हैं, ऐसे ही बदबू मारेंगे, तुमको क्या फर्क पड़ता है? मैं आरजे प्रवीण, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। आपके ऑफिस वालों ने नंबर सुनिए, करें पता नहीं कितनी गालियां देंगे। कोई बात नहीं, वो सब ठीक है, तो हम का गीजर उठा के ले जाए। आप ले जाओ भाई, ले जाओ। मतलब आप नहीं नहाएंगे? टैग योर फ्रेंड्स जो नहाते नहीं है। रेड एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो, आपकी गर्लफ्रेंड आपको आई लव यू टू बोलती है? है? बोलती है कि नहीं? आई लव यू टू बोलती है कि नहीं पहले ये बताइए सिर्फ। अरे कौन बोल रहे हो भाई? अरे यार वो छोड़ो यार, मैं तुमको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। आई लव यू टू बोलती है कि नहीं बोलती है? अरे भाई बोलती है तो? बोलती है ना, धोखा दे रही है भाई तुमको, बहुत बड़ा धोखा दे रही है तुमको। अरे चिल्ला क्यों रहे भाई? अरे मैं चिल्ला भाई तुमको, मैं बताना चाह रहा हूँ, वो तुमको धोखा दे रही है, समझो बात को, ठीक है? धोखा दे रही भैया। अरे भैया आई लव यू टू बोल रही है ना वो। हाँ तो आई लव यू टू ही तो बोलेगी। हाँ तो उसका टू TOO नहीं, उसका TOO TWO है, आई लव यू टू TWO।
अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई, पगला गए हो क्या? क्या बोल रहे हो? हेलो हेलो, अरे हेलो भैया। हाँ कौन बोल, अरे अब तुम दूसरा कौन बोल रहे हो भाई? अभी वो पहला, मैं वो टू हूँ, ये पहले वन था। पहले ये बताइए कि आई लव यू टू का मतलब क्या होता है? अरे भैया एक बार बताओ, लॉकडाउन में क्या भैया सैनिटाइजर पी के बैठे हो? सुनिए एक मिनट, आई लव यू टू का मतलब पूछ रहे ना, बताइए ना आई लव यू टू का मतलब क्या होता है? इतने तो पढ़े लिखे हैं आप। तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ अरे मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अरे नहीं, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, ये वाला है। अरे एकदम आई लव यू टू कुछ नहीं है, समझ में आ रहा आपको? अच्छा एक बात बताओ, गर्लफ्रेंड का कॉलर ट्यून क्या है? आधा है आधा अधूरा हो जाएगा। आधा आधा अधूरा आधा अधूरा जो है वो आधे तुम एक हो और आधा दूसरा वाला आधा, उनको मिला के पूरा हो जाएगा। अरे एक बार बताओ तुम दोनों क्या मजे लेने के लिए? दोनों नहीं तीनों, गलत काउंटिंग है आपकी, काउंटिंग गलत है, तीन है यहाँ पर। वही तो टू है, टू टी डब्ल्यू और टू। भाई साहब एक बात बताइए, इंस्टाग्राम में वो कितनी तस्वीरें लगाती है दिन में? दो। दिन में दो लगाती है? हाँ। एक उसके लिए एक आपके लिए। अच्छा अच्छा एक बात और, ये आपने जो मैसेज किया था ना कि रात को बेबी तुमको नींद प्यारी है या मैं, तो क्या जवाब आया था? मैं ना, और कब आया था जवाब? सुबह के 10 बजे। इसका मतलब उसको रात की नींद प्यारी है, आप नहीं। आई लव यू टू बोल रही है, टी डब्ल्यू ओ मजे ले रहे हो। कौन अच्छा एक बात बताओ, ए फॉर बताइए, ए फॉर रोमांटिक मत होइए अभी। ए फॉर हेलो। हाँ ए फॉर भैया पूछ रहे हैं, जवाब बताइए भाई, काहे परेशान कर रहे हो यार? अच्छा बताइए ना, ए फॉर क्या? अब बोलो बोलो। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर जो इनका कटा है। यही बोलो मेरा, सी फॉर जो हमारा आया हमारी तुम लोग। लास्ट, देखकर मुस्कुराना लड़की की अदा है। वाह। और जो इसे प्यार मोहब्बत समझे वो सबसे बड़ा गधा है, यही खुद ही बोल रहे हैं। सैनिटाइजर तुम लोग पी के बैठे हो ना, सैनिटाइजर चढ़ा लियो, रखो फोन। वो रख देंगे लेकिन पहले जान तो लीजिए कौन बोल रहे हैं। हाँ कौन बोल रहे हो भैया, बताओगे नहीं? आई लव यू टू वाले, टी डब्ल्यू वाले। मैं आरजे प्रवीण, मेरे साथ अरित्रो एंड रोहित मिलकर के मुर्गा बना रहे थे भाई आपका, आपकी गर्लफ्रेंड के कहने पर ही। आई लव यू टू, आई लव यू थ्री, आई लव यू फोर। उसको ये गाली वाली मत सुना देना भैया, बहुत मारेगी। क्यों, उसके सामने आपकी छवि बहुत साफ है? अरे भैया उसको पसंद नहीं, प्लीज गाली मत सुना देना, ठीक है? उसको गाली वाली मत सुना देना। 93.5 रेड एफएम बजा देना। थैंक यू जी उन लोगों को जो आई लव यू टी डब्ल्यू ओ में विश्वास रखते हैं। अरे यार तो मजे ले लियो यार प्रवीण भाई। हेलो नमस्कार, पवन गुप्ता जी से बात हो रही है? हाँ जी पवन बोल रहा हूँ। सर वो शादी का एड देना था, मैं न्यूज़पेपर कंपनी के जो कॉपी टीम है ना, जो ये एड लिखी है वहां से बात कर रहा था। सर अभी क्या है ना कि हम लोग नई नई तरह की कॉपी लिख रहे हैं, कुछ क्रिएटिव एड्स देने की कोशिश कर रहे हैं पवन सर। अच्छा है ना, तो हमने आपके लिए एक कॉपी चूज करके रखी है, आप सुन के देख सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो विल गो अहेड विद दिस सर। हाँ ठीक है ना। तो सर हमने एड ऐसा लिखा है कि सुबह जब मैं उठूं तो वो कमरे में चाय लेकर आए। ठीक है सर, ये कैसा? नहीं आगे बता रहा हूं, सुबह अच्छा। जब मैं उठूं तो वो कमरे में चाय लेकर आए, मैं उसकी बाहों को पकड़ लूं और वो कहे छोड़िए ना मुझे, छोड़िए ना, छोड़िए कोई देख लेगा, और जब आप छोड़े नहीं तो वो चिल्लाए मम्मी जी मैं आई। जरूरत है एक ऐसी बीवी की जो जिंदगी के इन हसीन लम्हों को हमारे साथ बिताने के लिए तैयार हो। सर सर ये कुछ अटपटी सी नहीं लगी आप? सर आजकल ये चल रहा है सर, बहुत फेमस है। पवन गुप्ता सर आपकी उम्र कितनी हो गई सर? 36 ना।
सर 36 ओवर के बाद तो बॉल भी रिवर्स स्विंग करती है सर, अब आप बता शादी के लिए कुछ क्रिएटिव नहीं, 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 हेलो हेलो एक मिनट आप बोल कौन रहे सर? मैं वो न्यूज़पेपर कॉपी डिपार्टमेंट से बात कर रहा था सर। हम लोग वैल्यू सर एक मिनट सर हम लोग वैल्यू एडेड सर्विसेज भी देते हैं सर, मतलब शादी के इस एड के साथ में विल गिव यू कॉलर ट्यून। लड़के की आवाज में या लड़की की आवाज में? लड़की की आवाज में बेहतर रहेगा ना सर? हाँ लेकिन कॉलर ट्यून कैसे समझा नहीं सर? कॉलर ट्यून हम आपको देंगे सर, जब भी कोई आपको कॉल करेगा ना सर तो सामने वाले को सुनाई देगी ये आवाजें। हेलो, क्या आपकी नजर में कोई है जो मेरे पवन भाई के लिए सुबह चाय लाए? और पवन भाई जब उनका हाथ पकड़े तो वो शर्माते हुए चिल्लाए, मम्मी जी आई। सर एक मिनट पूरा, क्योंकि भैया की उम्र 36 है और 36 ओवर्स के बाद तो बॉल भी नहीं नहीं कौन रहा है सर? अच्छी नहीं लग सर। सर हम दूसरी लिख सकते हैं और भी कॉपी आपको दे सकते हैं सर। नहीं दूसरी लिखने का क्या मतलब? मेरी क्या उम्र हो गई हो गया फिर भाई रख दिया। हेलो नमस्कार सर, मैं आपके बैंक के ब्रांच से बोल रहा हूँ सर, पवन गुप्ता जी। हाँ जी सर, वो थोड़ा KYC का थोड़ा ठीक ठाक करना था, 2-3 सवाल है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। KYC? हाँ जी जी जी, ये तो थोड़ा कंफर्म करना था सर। सर आपका नाम पवन गुप्ता है, आपके रिकॉर्ड में होगा ना? हाँ हाँ, मतलब कंफर्म करना है सर। हाँ कंफर्म हो गया आपका, बता। हाँ पवन गुप्ता जी है ना आप? हाँ जी। आपका उम्र 36 है? हाँ जी 36 है। और सर मैरिटल स्टेटस सर? सिंगल। सिंगल ना सर, 36 हाँ। में सिंगल सर, वो तो मतलब क्रिकेट बॉल भी 36 ओवर के बाद नहीं है, मतलब क्रिकेट ये क्रिकेट बता रहे हैं सर आपको 36 ओवर के बाद क्रिकेट फिर तो दोबारा करने लगे सर। एक बात बताऊं सर जी, आपकी जो भाभी है उन्होंने आपका नंबर दिया था आपको मुर्गा बनाने के लिए। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, पर जितने की आपकी उम्र है ना सर, आप देवर नहीं सर जेठ बनने लायक है। ऑलराइट, सो आप भी अगर किसी को मुर्गा बनाना चाहते हैं देन डाउनलोड कीजिए रेड एफएम इंडिया ऐप एंड अपनी रिक्वेस्ट भेजिए वहां पर, भेजिए भेजिए भेजिए। और सुनो भाई, कॉमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा कि प्रवीण भाई आप भी 34 के हो, मत लिखना भाई बया मेरा। हेलो जी, दीप्ति जी से बात हो रही है? हाँ जी बताइए। दीप्ति जी नमस्कार, आप जो लूडो गेम खेलती है ना आपके मोबाइल फोन पर? हाँ जी हाँ जी, उस ऐप वाली कंपनी से बात कर रहे थे हम। अच्छा ओके। सो दीप्ति जी, हमने देखा कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन आपने सबसे ज्यादा हमारे ऐप का इस्तेमाल किया है। हाँ जी, सबसे ज्यादा हमारे ऐप का इस्तेमाल किया आपने, एंड हमने ये भी देखा है कि आपके कार्ट में तकरीबन 1 मिलियन कॉइन पड़े हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये उससे ज्यादा है? नहीं, 1 मिलियन है ना जी। तो ऐसा है ना दीप्ति जी कि जितने आपके क्वाइन है ना उसका 1/4 इंडियन करेंसी में आपको मिलने वाला है, लाइक एज प्राइज मनी। व्हाट दिल्ली जी? ओह माय गॉड, वाओ, बहुत अच्छी बात है। आपके जितने भी क्वाइंस है उसका 1/4 आपको मिलेगा, लेकिन मतलब कमाल आप खेलती है, बहुत बहुत उम्दा खेलती है आप, कैसे कर लेती है? अरे यार नथिंग, जस्ट यू नो बटन का टैप। अरे खेलने में उस्ताद है ये लड़की, बहुतों के साथ खेल रखा है इसने। जी दीप्ति जी, क्या 1 सेकंड? हाँ जी 1 सेकंड, पीछे से किसी ने कुछ बोला लाइक? नहीं दीप्ति जी, आवाज आई बहुतों के साथ खेल। नहीं नहीं दीप्ति जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, आपको कुछ सुनाई दिया क्या? आई हर्ड अ वॉइस, अभी मुझे नहीं। दीप्ति जी अच्छा, दीप्ति जी मुझे ये बताइए, ये जो 2.5 लाख रुपए ये आपको अकाउंट में चाहिए या कैश में चाहिए?
कैश का है क्या सीन? कैश हो सकता है क्या? ऑप्शन तो है हमारे पास में मैम, वी कैन डेफिनेटली, है ना? और मतलब आपकी स्ट्रैटेजी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। हमने यहाँ से मतलब बैठे बैठे हमारे सर्वर पे आपका गेम नोटिस किया है कि कैसे भी कोई गोटी ना आपके घर के आगे जाती है, आप फट से स्ट्रैटेजिकली उसको काट देती है। पता नहीं आपके वो नंबर भी कैसे आ जाते हैं एकदम, है ना? अरे वो आई टोल्ड यू ना कि मतलब अपने कभी भी खेलते हो लाइक नंबर टैप है नहीं सॉल्व बट लक। अरे काटने में एक्सपर्ट है ये लड़की, बहुतों का काट रखा है। व्हाट? जी नहीं, आपके पीछे से ये जो आवाज आ रही है ये आप बोल रहे हो? दीप्ति जी मेरे पीछे से अगर आवाज आ रही है तो मैं कैसे बोल रहा हूँ? दीप्ति जी आई, दीप्ति जी ऐसी कोई आवाज यहाँ नहीं आ रही है। लाइन के बाद तुरंत बाद ये लाइन कैसे आ जा रही है फिर? दीप्ति जी आई डोंट नो, कोई मिसकम्युनिकेशन होगा। लेकिन मैम ये जो रुपए हैं, अगर मैं रुपए की बात करूँ तो ये जो रुपए ये आपको 500 के नोट में चाहिए या 2000 के नोट में चाहिए? 2.5 लाख रुपए है आपको 500 में देना है, आप 500 में दे दो। आपको 2000 में देना है, 2000 में दे दो। आपको नहीं देना है ना तो भी मत दो, इट इज फाइन। आप गुस्सा नहीं, आप गुस्सा क्यों हो रही है मैम? मैं आपको बता रहा था कि जो नियम होते हैं ना लूडो के, जैसे वाली तो बात ही कर रहे हो यार, पीछे से आवाज आ रही है, खेलती है, काटती है, क्या बोल रहे हो ना मैडम? लूडो में जो नियम होते हैं ना, जैसे हरा हराता है, पीला पिलाता है, लाल ललचाता है और ब्लू बुलाता है, ये जो नियम है ना लूडो के नियम, इन नियमों को आपने तोड़ दिया है। आपका गेम इतना कमाल है मैम। जी एज आई टोल्ड यू यार, जस्ट खेलती हूँ, हो जाता है। अरे तोड़ने में एक्सपर्ट है ये लड़की, बहुतों का दिल तोड़ रखा है। जी दीप्ति जी दीप्ति जी हेलो, मजाक मजाक चल रहा है किसी तरीके का यहाँ पे, आप गुस्सा दीप्ति जी आप गुस्सा तरीका से कॉल कर करके इस तरीके दीप्ति जी मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, आपके हस्बैंड के कहने पर ही मैं आपको मुर्गा बना रहा हूँ क्योंकि आप दिन भर लूडो खेलते रहते हैं। I'm gonna kill my husband right now. Oh, please feel free to do that. 93.5 Red FM पर tag all your friends जो लूडो खेलते हैं and yes, download कीजिए Red FM India app and अपनी request भेजिएगा। ये हम अपना कर रहे थे, आप रख सकती है। Thank you. बया दे। रिंकी आके पापा, ओहो हो, रिंकी आके पापा, ऐसा था। हेलो, हाँ जी कौन बात कर रहे हैं? सलीम। हाँ बोल रहा हूँ। बहुत कमाल के टिकटॉक बनाते हैं आप, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट है आपका। शुक्रिया। हम आपके नेटवर्क से बोल रहे थे, नेटवर्क ऑपरेटर जो है हमारे यहाँ पर। अभी एक कॉन्टेस्ट चल रहा था कि लॉकडाउन में वी वर कीपिंग अ टैब कि हमारे नेटवर्क पे जितने भी लोग हैं जो बहुत बढ़िया वीडियोस बना रहे हैं, हम उनकी कुछ वायरल स्टार से बातचीत करवाएंगे एंड यू आर द चोजन वन, कंग्रेचुलेशन टू यू। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये वाला ऑडियो सुना है जिस पर बहुत सारे लोगों ने वीडियोज बनाए थे? ये आजा तुझे आसमान में ले चलूं, चांद को उसकी औकात दिखाने, मेरी महबूबा, है ना? अरे बिल्कुल बिल्कुल सुना है सर, इसको बनाया भी था मैंने, बहुत अच्छा हो गया था। अच्छा और जी, अच्छे व्यूज मिले थे सर, व्यूज मिले थे। तो ये गाने में लास्ट में जो ओहो हो करते हैं ना, हाँ हाँ जी, वो वायरल स्टार हमारे साथ में आज बात कर सकते हैं आप। ओहो हो, हेलो, ओहो हो, हेलो सर, मैंने बनाया था आपके इस पे टिकटॉक। ओहो हो, हेलो सर, मैंने बनाया था आपके इस पे टिकटॉक। ओहो हो, हेलो सर, इनका रोल ही इतना, इससे ज्यादा कुछ बोलते नहीं है कि ओहो हो पे अटक जाते हैं सर। क्या मतलब, कुछ तो बोलते होंगे ना सर? नहीं कुछ बोलते आप? ओहो हो, क्या मजाक है सर ये सर, नहीं नहीं आप गाली ना दे सर, वो एक म्यूजिक पीस ये वाला, हाँ आपने हाँ। वीडियो बनाया था इस पर? सर बिल्कुल बनाया था, इस पर वीडियो बनाया था, छत्तगड़े होकर बनाया था हम चार दोस्तों ने, एक चार लोगों को अकेले नहीं बना पा रहे, आप चार चार दोस्तों के साथ में हमने बनाया, बहुत कमाल वीडियो बना था। हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ जो वायरल स्टार हैं इस गाने के पीछे, जिनके रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ये बना था, कोई जानता ही नहीं है, कोई जानता नहीं है सर, वो हमारे साथ में है, बात कर सकते हैं आप। दादा
दादा एक्चुअली मैंने जो सुर बनाया था वो गाना दूसरा था, ये चोरी कर लिया, वो ओरिजिनल ही था। रिंकी आके पापा, ओहो हो, रिंकी आके पापा, ऐसा था। अरे ये तो अंग्रेजी गाना है, ये तो भोजपुरी है, क्या बना रहा भाई? ना 300 बोलची हमारी सुर। अरे कौन सी भाषा में बात कर रहा भाई? सर किसको बना रहा है? एक्चुअली बंगाली, बंगाली दादा है, इनका रिकॉर्डिंग स्टूडियो अपना बता रहे थे। यार भाई क्यों पागल बना रहे हो यार, क्यों काट रहे हो मेरा यार? सर आप मुझे ये बताएं, सिर्फ आप किसके फैन है? किसके भाई फैन? मैं रियाज का फैन हूँ, बहुत बड़ा। हमारे साथ है, बात करना चाहते हैं आप? हाँ बात करना चाहते हैं, हमारे साथ में है, बात कर रहा हूँ। सच में? हाँ सच में सर, पक्का प्रॉमिस, बात कर रहा हूँ भाई। पहले इंट्रो म्यूजिक। ओ या भाई बात कीजिए रियाज। ओ यस भाई। म्यूजिक कहाँ है भाई? रियाज भाई रियाज तो कर रहे हैं, मैं रियाज तो कर रहा हूँ। ओ यार किसको कट रहा है मेरे बाप? कौन है? अरे कौन सी कंपनी उससे बात कराता हूँ क्या सर? मैं नहीं बनाता कोई टिकटॉक विकटॉक। गाली नहीं सर, गाली नहीं। नो 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 नो। हेलो, क्या लगा रखा? जिन्होंने ये जिन्होंने ये ओ नो नो किया था ना हमारे साथ में, ओ नो 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 नो। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 पर हम लोग मुर्गा बना रहे थे सर। सर खत्म करने से पहले एक ही चीज कहना चाहूंगा, आजा तुझे आसमान में ले चलूं, चांद को उसकी औकात दिखा दूं, मेरी महबूब। भाई मैं हो गया फैन टिकटॉक का। छोड़ भाई छोड़, ठीक है इट्स ओके भाई, मैं गोली मारूंगा, मर जाना भी तुम दोनों, ठीक है? पहले ओवर एक्टिंग, ये लोग ओवर एक्टिंग कर रहे हैं सर। मैं आते रहो, थैंक यू। हेलो हेलो विवेक जी। हाँ विवेक जी, सतीश जी के लड़के की शादी है, आपको याद ही होगा, पता होगा सतीश मिश्रा। हाँ जी, हाँ जी सर। सो मैं सर इवेंट मैनेजर बात कर रहा था सर, वो पूरी वेडिंग हम लोग देख रहे हैं सर। सर आपके पास में पेन और पेपर है सर, अगर एक इम्पोर्टेंट चीज आपको लिखवानी थी। हमको लिखवानी पेन पेपर? जी 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 सर। हाँ मिल, पेन मिल गया, बताओ। हाँ लिखिए सर, PNR क्या? PNR जी 5689 5689 2578 7860। सर ब्रैकेट में लिखिए नंबर 5657, ब्रैकेट 56 फिर कॉमा है, 56 के बाद कॉमा है, फिर 57 है, फिर RAC PNR। तुमका ट्रेन में बैठा रहे हो क्या? नहीं 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 सर, ये एक्चुअली क्या ना, आपको मालूम है न्यू नॉर्मल के हिसाब से 50 लोगों को शादी में इनवाइट किया जाता है ना सर, तो सतीश जी ने प्रायोरिटी लिस्ट दी थी, प्रायोरिटी लिस्ट के अनुसार आप उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, 50 लोगों में नहीं आ पाए, आप 5657 में है अभी आपका नंबर, और RAC है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, मतलब 50 लोगों में अगर कोई कैंसिल होगा ना सर तो फिर आपको आपका ऊपर चला जाएगा, मतलब 52, 53, 54 ऐसे चला जाएगा, और अगर 50 में हो पाया तो फिर आप शादी में आ पाएंगे सर। मतलब सतीश से तो हमारी 20 साल की दोस्ती चल रही है, इस तरीके से काम करा रहे हो तुम लोग, गजब। सतीश हमको भूल गए, हम उनके अम्मा के लिए टिफिन लेके जाया करते थे हॉस्पिटल में जब एडमिट थी तब, तो 56 पे डाल दिया हमको, भाई भाई बोलता था सर। आप 56 में, आपकी बीवी 57 पे है। अरे वो अपनी ना, मैं जाऊंगा ना मेरी बीवी जाएगी, 56, 57 डाल दिया हमको सर। एक मिनट सर, कोई लेटेस्ट अपडेट है सर, एक मिनट रुकेगा सर, अगर आप बुरा ना माने सर प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। PNR नंबर 5689257860, योर इनविटेशन स्टेटस इज 53.5 एंड 54.5। सर मुबारक हो, छप्पन सर 56, 57 से RAC अभी 53, 54 पे पहुंच गई है। साढ़े मतलब क्या? आधा पे यार, नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, किसी के आने के चांसेस हाफ है, कोई है जो हाफ चांसेस है उसके आने के, इसलिए आपका 53, 54 हो गया सर। अरे को नहीं जाना वहाँ पे यार, अद्ध की हो तुम लोग,
अपना वेटिंग में डाल रहे हो, शादी ट्रेन है क्या? ट्रेन में ऐसे लग रहा है होटल में घुस रहे, वेटिंग डाल रहे सर। एक चीज सर, और सर ये न्यू नॉर्मल है सर, अब ऐसा ही होगा। मैं आपको बोला था सर, गिफ्ट जरूर खरीद लीजिएगा भले आना हो या ना हो, है ना? अरे तुम हम अपने सतीश के, हम इतने दिन से जो है इतना कुछ किया उनके लिए, अभी हमको जो है बोल रहे हैं वेटिंग में डाल दिया, गिफ्ट चाहिए अपना, गिफ्ट लेंगे 53-54.5 साढ़े पौने और सवा नहीं आएंगे वहां पे, और गिफ्ट जो है कि लेके आएंगे। हेलो। हाँ विवेक जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं भैया। सुनिए विवेक, बोल रहा हूँ पीएनआर नंबर 5689257860 वाले आप ही है ना? कौन बोल रहे हैं आप? 53.5 पे आप आ गए, अटक गए आपका मामला। सुनिए, एक आदमी से 1,000 रुपया लूंगा और मामला कंफर्म कर दूंगा। अरे वो यहाँ पे बार बार फोन करके परेशान किए जा रहे हो, नहीं आना इतनी शादी में। 1,000 रुपए में सर कंफर्म कर देगा आपकी टिकट सर, 1,000-2,000 रुपए में भाभी जी और आप आएंगे, पूरा शादी का लुत्फ उठाएंगे। बोलो हमारे घर पे आए, 4,000 रुपए देंगे। नहीं आना, आर एसी वेटिंग लिस्ट लगा रहे हैं हम, एसी में टिकट कराए हैं, जाके कहीं राजधानी में घुमाएंगे, ट्रेन फ्लाइट से घुमाता आदमी 4,000-1,000 रुपए में। एक मिनट, इतना गुस्सा ना करे। सतीश जी के लड़के की शादी है, आप जरूर आ रहे हैं। सतीश जी ने कहा था कि आपसे थोड़ा मजाक करे, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहे थे हम। अरे यार तुम कहने में आ गया। अरे आपके इतने अच्छे दोस्त है तभी तो आपको मुर्गा बनाने के लिए बोला, अदरवाइज थोड़ी ना बोलते वो। तो उसको बोल दिए थे शादी में ही हमारा मुर्गा बना दिया होता नॉन वेज आइटम। 93.5 रेड एफएम, वेलकम टू न्यू नॉर्मल। बजाते रहो बजाते रहो भैया। हेलो प्रियांश भाई बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ भाई, मैं सोनू बोल रहा हूँ यार। कौन सोनू भाई? वो उस दिन वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे ना डीडीए के पार्क में, तब आया था मैं टीटू के साथ। हाँ तो भैया उस दिन वो नहीं लड़की देखी थी आपने, उसका वो मदर डेयरी के पास जो देखी थी, आपने बोला था इसका नंबर ला के दे दे यार तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हाँ तो भैया वो नंबर तो नहीं है, वो प्रियंका है उनका नाम, और सामने खड़ी है, लो बात कर लो, एक काम करो आप। पागल है? हेलो, बात थोड़ी कर सकता हूँ? सुनो तो बात कर रही है, सुनो बात कर लो। हेलो हेलो बोलो। नंबर दूं? नंबर चाहिए तुम्हें? पापा का नंबर दूं मैं? हेलो हेलो भाई बात कर लो ना। अरे भाई तू नंबर दे दे यार, मैं कर लूंगा बात बाद में आराम से। अच्छा सुनो, और वो जो जिन टिक्की वाले के पास भी तुमने बोला था ना, इस लड़की का भी नंबर ला दे, सोनिया नाम है इनका, बात कर लो। हाय प्रियांश, क्यों चाहिए आपको मेरा नंबर? अरे वो बात करा दो उससे, कर ले बात। पागल आदमी यार, तुझसे बात करा यार, तू नंबर मांग रहा है, मतलब से ऐसे थोड़ी बात कर सकता हूँ? फिर कैसे बात कर सकते हो, गरारे करके फोन करोगे क्या ऑटो नील के? हैं, तुमने हमारी जान में लकड़ी का रखी है, तो कभी तुम्हारे को टिक्की वाली पे कोई लड़की दिख जाती है, कभी तुम्हें मदर डेयरी पे कोई लड़की दिख जाती है, कभी कहीं पे दिख जाती है। हेलो हाँ, कोई लड़की तुमने परवल लेते हुए भी देखी थी क्या? हैं, ये मैडम बात करना जरा। हेलो प्रियांश, नंबर चाहिए तुम्हें? पहले अपनी बहन का नंबर दो मुझे। मैडम वो उनसे बात करा दो आप। हेलो, किसी बात करा दो थोड़ा सा। अच्छा, मैं हूँ ये चू आदमी जो तुम बोल रहे हो, हैं? तुम ना हो, शट अप कर लो यार तुम। मैंने तेरा नंबर कब दिया? मेरे को लड़के फोन करते रात को 3:30 बजे, पता फोन करके कहते किसी नंबर लड़की नंबर दे दे यार, तो मैं बिचौलिया हूँ यहाँ पे होगा। अच्छा है यार, तुम आज ऐसा है, सुनो मेरी बात सुनो, तुम बात करके रहोगे आज, वो जो परवल ले रही थी वो आ जाए मैडम, आना बात करूँ। हेलो, हाँ जी। हाँ प्रियांश, हाँ जी बोलिए। क्या क्या बात करनी थी तुम्हें, बताओ ना। अरे मैडम ये पता नहीं गलत बातें बोल रहा है, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला किसी को कि बात करनी है मुझे। तुम बताओ तो क्या बात क्या करनी है, बताओ ना पहले मुझे, मैं भी बात करना चाह रही हूँ तुमसे। अरे मैडम मैं ये देखो, वो गलत आदमी है, वो आपको गलत बातें बोलता है लोगों के। हाँ मैं गलत आदमी हूँ, छिपकलियों को प्रेग्नेंट करवा दिया है, मेरे मम्मी पापा के ट्रू कॉलर पे मौज बहार नाम आते हैं। पहले ये बता, तेरे से जैसे जलील आदमी नहीं देगा पूरे मोहल्ले में, तूने क्या नाम से मेरा नंबर बिकवा रखा है, बिटवा रखा है, बताइयो। तू क्या बैंडी वाला हो गया, साले हर लड़की को अपने पास बिठा के रखा हुआ है। मेरे को अब ये सुन मेरी बात, मेरे को ये बता मैं अपने पापा को क्या बोलूं, मौज बहार कौन है, क्या है, क्यों है, ठीक है बाप तेरा है मेरा। अभी तक तो मैं इन तीन लड़कियों से तेरी फोन पे बात कर रहा था, इसको घर लेकर आ रहा हूँ शाम को तेरे पास। पागल है दिमाग से पहले 6:40 पे देखियो तू। 6:40 पे क्या होगा, बैंड बजेगा आपका जो भी रिकॉर्ड हुआ है। हेलो, हाँ जी भाई, मैं आशीष बोल रहा हूँ, दिल्ली का कड़क लौंडा।
भाई नंबर बड़े मांगते। हेलो, गुड मॉर्निंग, आई एम टॉकिंग टू मिस्टर बांसल। Yeah. Hi, Mr. Bansal. This side, Richard. I'm calling from California. And last evening, you made a bid California, for... Noida ka number lag raha hai, calling just a second, I think. Mr. Tungsten Tiwari. Yeah, speaking. Where are we calling from? I am Tungsten Tiwari from Noida. And okay, yeah, yeah. Mr. Bansal, he's the translator. Uh-huh, I know, okay. Because you're an Indian and we have a Hindi-speaking translator. Okay. So just wanted to inform you that you made a brilliant bid last night. So now we want to congratulate you and this car, vintage, beautiful car, belongs to you. ये गाड़ी आपकी होने वाली है, जल्द ही आपके घर के बाहर होगी। So that the amount comes to 22 lakhs dollar. 22 lakh dollar. मैं बताता हूँ, 22 पेटी देनी है गाड़ी। पैसा समझ में आ रहा है, 22 पेटी, 22 लाख समझ में आ गया, लेकिन मैंने कौन सी बिट लगा दी ऐसी? करो तो मैंने मजाक में लगाई थी ऐसी। एक मिनट सर, प्लीज मोर गोइंग ऑन स्पीक, प्लीज मोर इंग्लिश। सो इज देयर एनी प्रॉब्लम, बिकॉज वी ऑल्सो हैपन टू हैव दिस ऑप्शन ऑफ COD, कैश ऑन डिलीवरी। इनका कहने का मतलब है कैश ऑन डिलीवरी होता है, कच्चे नोट, ताजे नोट पेटी में बंद करके देने हैं। क्यों देने भाई साहब, जब नहीं है? आई थिंक ही इज कॉलिंग फॉर एन नेगोशिएशन। सेवजी, कैन वी हैव सम शैंपेन प्लीज? इनको समझाओ कि मेरा 22 लाख डॉलर नहीं है, मैंने ऐसी मजे में लगाई थी, बट ऐसा कुछ नहीं। ओके, मैं सुन सर, ये कह रहे हैं ही लव्स योर ऑफर और जल्द से जल्द पैसा आपको दे देंगे। दैट इज वंडरफुल। ऑफर क्या कर रहे हो? प्लीज मोर धासु इंग्लिश स्पीक। ओके, आई थिंक ही इज ईगली वेरी फॉर द कार। यस, ही सेवजी, कैन यू प्लीज कम फास्ट एंड वी विल आल्सो प्ले दैट कैसेट इन योर फेरारी। चलो चाहिए 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 चाहिए। भाई साहब क्या बातें कर रहे हो, मैंने कोई इतनी लेनी गाड़ी। आपने बीड किया है ना, तो सर स्पीकिंग सम फैंटास्टिक एंड फैबुलस। ऑलराइट, सो संजीन को समझा दो, ऐसे मैं तुमने मेरे को कहां से ले लिया भाई? मैंने तो नंबर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। यू हैव हिज आईपी एड्रेस, इफ ही सेइंग दैट एड्रेस थिंगी। हर्ष विहार। हां जी, हर्ष विहार, पुष्प विहार, हर्ष विहार। हेलो, एक मिनट, मैं तो सुन लूं, बीच में बोल ले, मेरे को ना सुनने दे सर, प्लीज स्पीकिंग अगेन। तो मैं बोलूंगा ना, आई एम टेलिंग हिज एड्रेस, हर्ष विहार। या सर बिल्कुल, न्यू दिल्ली। या न्यू दिल्ली है सर। या मैं फोन लगा रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ, तू ही बात कर ले टंगसन इससे। सर ही इज वेरी हैप्पी एंड ही शैल बी, ही मस्ट बी, इट्स अ फेरारी। ओ धन्यवाद, हेलो, थैंक यू, ही शैल बी डिजर्व। यार फिर एक बात बताइयो, कल काय ने बिट कर दी थी तूने? हैं, हमारी मिन्नत कर लाग रहा है तू? अरे सूजी ला रही है कि नहीं ला रही यार? ले कैलिफोर्निया से जाट बन गया है, हैराने आ गया। अब क्या करें, इतनी देर से इंग्लिश बुरवा रहे हो आप मेरे को नहीं अच्छा लग रहा। सुपर हिट 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का खड़क लौंडा बोल रहा हूँ, आशीष आपका बैंड बजा रहा हूँ। Hello. Yeah. Good afternoon. Am I talking to Mr. Subramaniam? Tell me. Yeah, yeah. So this side, Venkateshwar, and I told you that we have a business of jewelry. In Bangalore. In Bangalore plus in Delhi. Part of Delhi you are in living? We are staying in Greater Kailash. GK, okay, great. How old is the business of yours? Probably 35 years. Okay. Did you see her this thing in the Tamil matrimony or Bab? Yeah, Tamil matrimony. So, look, what is your background? You have done your education in Delhi. What did you do? Actually, I have done my MBA from London. Okay. Plus, I'm doing a PhD. From where this PhD is being done? Actually, I'm doing it from the German University. Yeah. MBA London was a full-time course? Yeah, full-time course. Before that, I was in Dubai, Sharjah School. What I want is, I don't know whether you know a background. I'm basically a chartered accountant. Okay. Daughter is a chartered accountant. Okay. And second daughter is an engineer. Very nice. And I got a housewife. Very nice. Okay, now the point is, I'm a little conservative. So, but I'm sure looking at my profile, you'll be really interested, and we also happen to have a very no issues. Joint family. So we have a good background. So, but the only thing is after marriage, because I believe we should be open-minded. After marriage, I want to be a house husband. You want? I want to be a house husband. House husband? You don't want to work? No. I want to take care of the kids, take care of my wife. She's going for work. I'll prepare food because I really like to cook. So I'll... Where will the earnings come? Wife will bring the earnings. For earnings, my wife's going to work. So you want to be a house husband. This is just a new concept. Yeah. Anyway. It's not a new concept, but it's just that I want to be a homemaker. Ghar pe baithenge. Conceptually, this too... डू यू हैव एनी इश्यूज इफ आई वॉन्ट टू बी अ हाउस हस्बैंड? मैं घर पे रह के ख्याल रखना चाहता हूँ करवा चौथ पे। आइडियली इफ यू आस्क मी, नो, आई एम अ हार्डकोर प्रोफेशनल। बट सर आपको नहीं लगता कि जैसे करवा चौथ पे मैं खाना बना के दे रहा हूँ उनको, वाइफ को? आई थिंक नो वुमन वुड लाइक अ मैन सिटिंग एट होम। लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू पर्सनली, फ्रैंक ओपिनियन,
आई एम नॉट वेरी हैप्पी. ओके सुब्रमण्यम जी, मैं बहुत टाइम से आपसे बात करना चाह रहा था लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे करूं. डू यू नो कस्तूरी? कस्तूरी द वन हु वर्क्स विद 93.5 रेड एफएम. या कस्तूरी इज देयर. करेक्ट 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 करेक्ट. मैं सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बात कर रहा था सर. तुमने मेरी बजा दी थी. नहीं, ऑल द बेस्ट. बजा आ गया. ठीक है, थैंक यू सो मच. हेलो. हेलो जी अंकिल, नमस्ते. नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ. हेलो, कौन बोल रहे हैं जी आप? मैं जानता हूँ मेरी आवाज और बातचीत आपको शायद समझ नहीं आ रही होगी, पर जब बात जरूरी हो जाती है ना तो जरूरी हो जाती है. बोलो, जरूरी बात क्या है आपकी? आर यू मैरिड और सिंगल? आई एम सिंगल. सिंगल तो आगे जब अगर कोई सीन बने किसी लड़की को प्रपोज करने का, ओके, रिलेशनशिप में जाने का, तो जो कुछ जरूरी चीजें हैं ना वो जरूरी हैं. क्या जरूरी है? मैं तो मैं जान रहा कि अगर किसी लड़की के को आपको पटाना है या प्रपोज करना है या रिलेशनशिप में जाना है तो आप किसी लेडी के थ्रू ही जाओ ना तो ज्यादा सही है. वरना आदमी ना, सुनो, अगर वो मान गई तो ठीक है, अगर नहीं मानी तो आदमी टेंशन में आ जाता है, फिर पीछा करने लगता है और फिर जबरदस्ती करने लगता है. मुझे क्यों बता रहे हो? मैं इसीलिए बता, नहीं नहीं मैं आपके थ्रू मैं लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ. इसलिए कोई भी लड़की को अगर आपको प्रपोज करना है तो सबसे पहले मौसम विभाग से संपर्क करें. मौसम विभाग? टेक्निकली अलग में मेरी बात गलत नहीं. मौसम विभाग से पता चलेगा कि बरसात कब होगी, अगर ज्यादा होगी कम होगी, ये सब मालूम पड़ेगा. ये डिटेल्स लेकर आपको गांव-गांव में किसानों तक ये डिटेल पहुंचाना है. किसान मैं बता रहा हूँ, किसान को आप बताएंगे उसी हिसाब से किसान खेत वगैरह का, फसल वगैरह का ध्यान रखेगा, कब जोतना है, कब बोना है, कब कटाई करनी है, कब उसमें शादी होने दोगे नहीं होने दोगे. एक मिनट, शादी तक पहुंच रहा हूं मैं. किसान ने आपके लिए फसल उगाई, उगने के बाद वो मंडी तक पहुंची, मंडी के बाद दुकानों तक पहुंची, दुकानों के बाद लोगों ने खाली खाली नहीं, नहीं नहीं अभी खाली नहीं है, अभी तो लोगों ने खरीदा है. ओके, चावल खरीदा, गेहूं खरीदा, दाल, सबसे इम्पोर्टेंट माल है दाल. पूछो कैसे? कैसे? लड़की के सामने दाल तो गलनी चाहिए ना भाई साहब. भाई जानकारी बिल्कुल सही. मैं बता रहा हूँ, अब वो दाल आपको और मेरे को तो पता नहीं ना कितनी कुकर में सीटी लगेगी और पक जाएगी, पता है आपको? नहीं, कभी बनाई नहीं. नहीं ना, वही मैं बोल रहा हूँ. तो जिसने बनाई नहीं वो क्या घंटा उसको गला पाएगा दाल को? इसलिए दाल ले जाकर मम्मी को दीजिए. मम्मी से कहिए मम्मी दाल, मम्मी कुकर में दाल डालेंगी, एग्जैक्ट पता है कितना पानी कितनी सीटी, दाल गल जाएगी. जब मम्मी ने दाल गलाई है तो लड़की के सामने भी दाल कौन गलाएगा? बिल्कुल, और मम्मी जो जूता मारेगी वो बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, है ना? रिस्क लेना पड़ेगा. इसलिए लड़की को अगर वो करना है प्रपोज तो मम्मी को बोलो, क्योंकि आपसे सहन नहीं होगा, आपका ईगो बहुत बड़ा है. लड़की मना करेगी, पीछा करोगे, टेंशन क्रिएट करोगे, फिर पुलिस जानते ना डंडे से क्या गिरती है. तू आके मिल पुलिस को. गलत आदमी. तो दाल गलानी है, मौसम विभाग, किसान, मंडी, दुकान. इतना लंबा जाने की जरूरत क्या? तो मैं कैसे जाए? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोल रहे हो. लेडीज का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज आवर प्राइम फोकस. ओके बाय. हेलो अंकिल जी, नमस्ते. बे नमस्ते, कौन? कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ. जानता हूँ कि आप मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनने फोन काट दिया. अगर आपके पास दो मिनट का समय हो तो अपना एक कुछ शेयर करना चाह रहा था मैं. हाँ बोल भाई, बोल जल्दी बोल यार, ऑफिस के लिए जा रहा हूँ मैं. मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो बॉडी है ना, हाँ, वो थोड़ा सा पतला है. अच्छा, मैंने सोचा तो कुछ लेता क्यों नहीं है तू. मैं सुनो तो, मैं तो जाता था जब वजन करने के लिए रेलवे स्टेशन पे खड़ा होता था ना. अच्छा, तो जो वजन की मशीन होती थी, हाँ, उसमें से आवाज आती थी कि बेटा कुछ खा के चढ़ो तो वजन किसका दें. तो सुबह सुबह केले खाया कर ना तू, केले खाया कर. और उसके लिए फोन ही नहीं कर रहा हूँ मैं. अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि मैं पतला हूँ, तो मैं एक दिन सड़क से जा रहा था क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा था कि जाके सब्जी ले आ. अच्छा, 6 किलो आलू मंगाए थे मुझसे. अच्छा, मैं घसीट घसीट के ला रहा था क्योंकि मैं पतला हूँ, उठा नहीं पाता. अच्छा, फिर मैं ला ही रहा था कि एक सिग्नल के पास से मैं गुजरा तो एक लंबी गाड़ी रेड कलर की, अच्छा, आके खड़ी हो गई और उसमें से एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की. कैसी लड़की? सुंदर थी, खूबसूरत. खूबसूरत वो उतरी मेरे तरफ देखते हुए, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी. मेरे हाथ से झोला छूट गया. वो मुझसे कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप नजदीक आ सकते हैं? मैं तुरंत पॉकेट में हाथ डाला.
क्यों है, जेब में हाथ क्यों डाला तूने? हाथ जेब में डाला कंघा निकालने के लिए। मैंने अपने बाल सेट किए, लड़की के पास गया, लड़की मुझसे कहती है आप मेरी गाड़ी में बैठ सकते हैं। मेरे मन में लड्डू फूटा, मैं गाड़ी में बैठा, मुझे अपने बंगले के पास ले गई। बड़ा ही खूबसूरत बंगला था। बंगले के अंदर नौकर चाकर, मैं सोफे पे बैठा, वहां से दो बच्चों का हाथ पकड़ते वो लेडीज आई। अच्छा। वो कहती है ये मेरे बच्चे, धड़ाक करके मेरा दिल टूटा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनका दूसरा बाप बनने को तैयार हूँ। लेकिन फिर उस लड़की ने क्या कहा पता है? क्या कहा? उसने कहा कि बच्चों ये देखो अंकल को। मैंने कहती थी दूध नहीं पियोगे तो पतले हो जाओगे, ऐसे ही पतले रहोगे दूध नहीं पियोगे तो। ये दिखाने के लिए मेरे को धड़ाक करके मेरा दिल टूटा। बाद में मेरे हाथ में 50 रुपए रख के कहती है बाहर छोले कुलचे खा के वहीं से बस पकड़ के निकल जाना। ये सब तू मुझे क्यों बता रहा है? गलत मत बोलिए ना। अब एक तो लड़की ने मेरा तोड़ दिया मेरा दिल। अबे तो लड़की ने तेरा दिल तोड़ा तो मैं तेरी तोड़ू वहीं से आगे। गलत बोल रही है, मेरे को असली तकलीफ क्या है पता है? क्या? उस लड़की के चक्कर में जो झोला छोड़ दिए थे 6 किलो आलू थे उसमें। अच्छा, उसमें टमाटर तो नहीं थे ना? नहीं, टमाटर तो नहीं थे। क्योंकि टमाटर वैसे ही बहुत महंगे हैं। बेटा तू भी जोक मार रहा है क्योंकि मैं भी जोक मार रहा हूँ। गरीब तेरे गई, ठीक है। गंदा मत बोल, फोन रख दे, ठीक है। गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुआ बोल अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो अंकिल नमस्ते। हाँ अंकल, आवाज कट रही है भाई साहब। हेलो, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए था। क्यों? लैला मजनू की बड़ी बात हो रही है, एक पिक्चर भी आ रही है। अच्छा। पर आज रियल लाइफ में लैला मजनू नहीं हो सकते, बताऊँ क्यों? क्यों? जब वो मिलते थे तो छुप छुप के मिलते थे पेड़ पौधों के बीच। अच्छा। आज पेड़ पौधे ही नहीं है, घंटा मिलेंगे भाई साहब। हेलो, मेरे को क्यों फोन किया है, मुझे इससे क्या लेना देना? ये बता रहा हूँ कि मजनू लैला से कहता था तुम्हारी आवाज कोयल जैसी है। तो मैं क्या करूँ? अब नहीं बोल पाएगा, पता है क्यों? क्यों? पेड़ ही नहीं है कोयल, घोंसला कहाँ बनाएगी भाई साहब? तेरी बनाएगी। आप खामखा रुष्ट हो रहे हैं मुझसे, बेकार में। रुष्ट क्या हो रहे हैं? पेड़ से फूल तोड़कर वो महबूबा को देता था, पेड़ ही नहीं है तो घंटा फूल होगा भाई साहब। पेड़ के तने पर वो लोग लैला लफ्ज मजनू लिखते थे, अब पेड़ ही नहीं है तो कहाँ लिखेंगे भाई साहब? ओ क्यों पका रहा है तू? पेड़ की वजह से बरसात होती थी तो बरसात में वो छमाछम नाचते थे गाते थे, अब बरसात ही नहीं होगी क्योंकि पेड़ ही नहीं है भाई। पेड़ की वजह से लकड़ी होती थी, उस लकड़ी को पेड़ पर ही नारियल उगता था तो नारियल में 2 स्ट्रॉ डाल के वो लोग पीकर रोमांटिसाइज करते थे भाई साहब। अब पेड़ ही नहीं है तो घंटा नारियल गिरेगा भाई साहब। लगता है काट दिया फोन। काटा नहीं है, तू मेरे को मिल, मैं तेरे को काटूंगा। पेड़ से ही कागज बनते थे, कागज से ही कागज पे प्रेम पत्र लिखा जाता था, अब पेड़ ही नहीं है तो कागज क्या ही बनेंगे भाई साहब। उसी कागज को चिट्ठी का रूप बनाकर कबूतर से भेजते थे, कबूतर भी अब घोंसला नहीं बना पा रहा है भाई साहब। पेड़ पे कहाँ बनाएगा घोंसला, क्योंकि पेड़ ही नहीं है। पेड़ में बहुत मोटी मोटी लकड़ी होती है, और बड़ी बड़ी लकड़ी होती है, तू जानता है ना, उसका क्या करूंगा तेरे साथ? मैं समझ गया भाई साहब, इसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जितने लोग जानते हैं लकड़ी और आपको और मुझे, वो समझ गए आप उसका क्या प्रयोग करेंगे। तो पता मैं ही तेरे पाऊं। नहीं भाई साहब, इसके आगे बोलना ही नहीं है, बात खत्म, फोन कट। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बगवा बोलने। हेलो। हेलो हेलो हेलो। अरे कौन? सामने भी बगवा ही बोल। हेलो बाबू। हाँ जी। कोई बड़ा नहीं है घर पे? चाचू है। चाचू को दे दो और तुम घर के अंदर कमरे में चले जाओ। कौन बोल रहा है? मैं बबुआ बोल रहा हूँ, बब्बू। हेलो। चाचू जी नमस्ते अंकिल। चाचू कौन बोल रहा है? मैं बबुआ बोल रहा हूँ भाई साहब। कौन? उस बच्चे को अंदर भेज दो। अंदर भेजू, बाहर रखो, तुम्हें क्या मतलब? आप बात करो, जो बात करें। आप फिर जो जवाब दोगे, मैं नहीं चाहता ना बच्चा सुने। मतलब क्या जवाब? मैं कह रहा था आप सुनते। देखिए, पानी बचाना बहुत जरूरी है। वो तो बहुत जरूरी है ही है। क्यों? मैं बताता हूँ, जल ही जीवन है। हाँ वो तो है, लेकिन इसके अलावा भी जल बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप नहा रहे हो, अचानक से पानी चला जाए। अच्छा। आपकी आँख में साबुन शैम्पू जल रहा है। हाँ। फिर आप पानी ढूंढ रहे हो, कहाँ पानी कहाँ पानी। नीचे साबुन गिरा हुआ है, साबुन के ऊपर पैर फिसला, धड़ाक करके आप गिरे, सर पे चोट लगी, बात ही खत्म।
सुबह सुबह डरा रहा है, नहाना है अभी। हेलो, देखा है तो पानी जरूरी है। अब मैं बताता हूँ, सपोज आपको खाते वक्त मिर्च लग गई, आपको पानी पानी चिल्ला रहे हो, आप कोई मिल ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा, पानी नहीं है, और जोर से चिल्लाने की वजह से आपको हार्ट के ऊपर प्रेशर आ गया, बात ही खत्म। क्या सुबह सुबह फोन कर, पहले तो मत भाई साहब, बच्चा अंदर भेजा गिरी आपने। हेलो, बाद में फोन कर। आप अगर आप थोड़े लिटिल लिटिल लेते हो क्या? अभी तो खैर नवरात्रि है। लिटिल लिटिल, हेलो, लिटिल लिटिल बोल रहा हूँ, लिटिल 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 ले लेते हैं। तो सपोज पानी नहीं रहा तो नीट लेके लीवर खराब करोगे, बात खत्म, आप खत्म है। तो पानी बच्चे को अंदर भेजा कि नहीं? एक सेकेंड बोल। स्विमिंग पूल समझ के आपने कूदा, जंप लगाया, पानी है नहीं, नीचे पूरा फ्लैट है, नीचे जमीन पे सर लगा, खटैक, खत्म, बात ही खत्म। मेरे को मारने पे बोल कौन रहा है? मेरे आखिरी पारी ले रखा है। आप आलू नहीं उबाल पाओगे अगर पानी नहीं होगा, आलू नहीं उबलेगा, उसका चिप्स नहीं बनेगा, चिप्स नहीं बनेगा, फास्ट में कुछ खा नहीं पाओगे, फास्ट में कुछ खा नहीं पाओगे तो उपवास रखोगे नहीं, और उपवास नहीं रखोगे माता रानी पाप देगी, पाप देगी तो फिर बात खत्म। आप पानी बचाना है, बात समझ में आई नहीं है? चाहिए पानी तो बचा ही रहे तो अपना ना समझ। बस, और बच्चे को अंदर भेजा कि नहीं? बच्चा अंदर है, पानी बचाते रहो आप लोग, रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोल रहे हो, आई होप बच्चा सही में अंदर गया था। हेलो। हेलो, हाँ जी अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते। कई लोगों को लगा रहा था मैं, फोन कट जा रहा था बीच बीच में, आपको भी एक लग गया, मैं बहुआ बोल रहा हूँ भाई साहब। हेलो। हाँ जी, लोग समस्याओं का सोल्यूशन ढूंढते हैं पर ढूंढ नहीं पाते हैं क्योंकि अंदर नहीं झांकते हैं। किसके अंदर? अपने अंदर, समस्या के अंदर। सपोज अच्छा। आपके घर में चाय फीकी बनी है, चाय अगर फीकी बनी है, थोड़ा चीनी डाल दीजिए, मीठी बन जाएगी। तो मेरे को बता रहा है, मेरे को शुगर है, नहाने के लिए, नहाने के लिए अगर पानी का प्रयोग किया जाए तो नहाना और अच्छा हो जाए। तो और किससे नहाएगा बावली? गलत बात बोली। अगर आपको रहने में प्रॉब्लम है, मकान बनाइए बढ़िया, रहने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मकान ही बनाएंगे, तंबू थोड़ी बनाएंगे। मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाए फिर? तो क्या आप उसे घसीट के अगले पेट्रोल पंप पे ले जाइए, भरवाइए, चिंता करेंगे तो गलत है, गलत बात। एक से हेलो, क्या बार बार यहाँ पर मारूंगा साले, मुंह सूज जाएगा, पुलिस में नंबर दे दूंगा, बड़ी कुटवाऊंगा फिर मैं। हेलो हेलो, मैं सुरभि बात कर रही थी, आप गलत किसको बोल रहे हैं? मैडम परेशान कर दिया। क्या तो गलत बोलेंगे, एक बार नंबर देख लीजिए ना भाई साहब। आप भी सुबह सुबह फोन कर रही उसी बीच में। तो क्या नहीं, आपको आपके सोल्यूशन के लिए फोन करे ना भाई साहब। 15 दिन हो गए मैडम, कौन सा सोल्यूशन दोगी? यूट्यूब तो चल नहीं रहा। ये तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना आपको? मैडम नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसलिए सोल्यूशन चाह रहा हूं मैं 15 दिन। वही तो बता रही थी मैं, अगर नेटवर्क का सही में प्रॉब्लम है तो हमारा जो टावर है पीतमपुरा में, आप उसके पास जाइए, फटाफट नेटवर्क आएगा, उसके नीचे जाके बैठ जाऊं। अब आप ही को नेटवर्क नहीं आ रहा ना? मैडम घर में नेटवर्क नहीं आ रहा। तो घर बदल लेना भाई। मैडम कैसी बेतुकी बात कर रहे हो, आपका दिमाग ठीक है? भाई साहब मैं तो वैसी बात करूंगी जैसे भाई साहब करते मेरे। कौन से भाई साहब तेरे? परिवार के लोग हैं, एक दूसरे पे नहीं जाएंगे तो किस पे जाएंगे? मैं समझ नहीं रहा क्या बोलना चाह रही हो आप। अरे मैंने बोला था ना, चाय में शक्कर कम है तो शक्कर मिला लो। अब तो मेरी दीदी है ये भी। हेलो हेलो, आ रहे हो आप टावर के पास नेटवर्क के लिए? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोल रहा हूँ। किला बजते नहाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाए तो बढ़िया हो जाते। हेलो हेलो, यस, इंग्लिश और हिंदी कुछ भी, कौन बोल रहे हैं? मैं बहुआ, भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। कह रहे अक्षय तृतीया पे लोग सोना खरीदते हैं। किससे? अक्षय तृतीया त्योहार होता है। जी जी जी। सोना खरीदो तो शुभ होता है। हाँ भाई कैसा है, कौन है? क्या मैं बहुआ भाई साहब, मैं कह रहा था नाम वाम तो ठीक है, अक्षय लोग सोना चाहते हैं कि नहीं? गोल्ड गोल्ड, हाँ गोल्ड। तो अगर आपको सचमुच गोल्ड वाला सोना चाहिए तो आपको सचमुच नींद वाला सोना पड़ेगा। कैसे मैं बताता हूँ? अच्छा बताओ। क्या है कि अगर आप सोओगे तो आपको नींद आएगी, नींद में आपको आएंगे सपने। जी। सपने तो सपने होते हैं जी, बाकी सब अपने होते हैं। सॉरी। तो सपने में आप देखोगे
आप बड़े आदमी बनने का सपना देखोगे। अच्छा, हर आदमी देखता है। हाँ जी। बड़ा आदमी आदमी तीन तरीके से बन सकता है। तो एक तो हाइट से बड़ा हो सकता है, एक होता है फेमस होके बड़ा हो सकता है, और तीसरा पैसे से बड़ा हो सकता है। अब हाइट से बड़ा होके क्या फायदा, आपको खड़े खड़े नारियल थोड़ी तोड़ने है ना। फेमस होके भी क्या फायदा, जब शकल ही नहीं, अकल ही नहीं, पैसा ही नहीं, फेमस हो, खामखा फेमस हो, नुक्ते के साथ खामखा फेमस हो। और तीसरा हो गया पैसे वाला फेमस। तो जब पैसा आएगा, शोहरत आएगी, दौलत आएगी, तब आप क्या करेंगे, आप दान पुण्य करेंगे, लोगों को डोनेट करेंगे, उससे और पैसा आएगा दुआओं के साथ। अच्छा, और फिर अच्छा। पैसा आते 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 आप लुटेरों की नजर में भी आ सकती थी, इसके बाद बहुत पैसा, थोड़ा माल लूट लेते, वो लुटेरे आपका पीछा करेंगे, आपको पकड़ने की कोशिश करेंगे, आप उनके साथ लड़ोगे लड़ोगे, उनका एक मुक्का आपके मुंह पे लगेगा, 32 में से 28.5 दांत आपके टूट गए। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोलेगा देखो इतने लकड़ी लगवाने से अच्छा है आप अगली बार भी लुटेरों के नजर में आ सकते हैं, सोने का दांत लगवा लो। अब बताओ सोने से सोना मिला कि नहीं, लोगों के लोगों के पास गहने होते हैं, आपके तो ब्लडी दांत सोने के। भाई साहब इतने खुश मिजाज इंसान है कि आपने अब तक एक चीची नहीं बोला, बस एंजॉय किया है। बस गुंडों से बच के रहिएगा भाई साहब, है ना, भगवान ने करे आपके 28.5 टूटे, सिर्फ 28 टूटे, है ना। पहली बार दांतों की दुआ सुन रहा हूँ। दांतों की दुआ फ्रॉम बुआ 93.5 FM बजाते रहो। कमाल हो गया भाई साहब, कोई चीची नहीं, सिर्फ एंजॉयमेंट। और बताइए, ऐसा भी पॉसिबल है? हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं कई लोगों को फोन लगा रहा हूँ, एक छोटा बच्चा होने के नाते मैं लोगों से दुविधा शेयर कर रहा हूँ, अपनी तकलीफ शेयर कर रहा हूँ कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से माँ बाप बच्चों को थप्पड़ मार देंगे। अरे भाई कौन बोल रहा है, किससे बात? मैं बउआ बोल रहा हूँ, और आप ही से कट रही है। मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था, कई लोगों से मैंने बात करने की कोशिश करी, कुछ लोग फोन पटक रहे हैं, कुछ लोग फोन रीचेबल से बाहर जा रहे हैं। आप अगर 2 मिनट सुन लोगे तो कोई कमी नहीं रह जाएगी जिंदगी में। ठीक है बोल रहा हूँ। पापा ने मेरे को पैसा दिया था बिजली का बिल भरने को। अच्छा, घंटा? अच्छा, मैं उस पैसे से लॉटरी खेल गया, क्योंकि लॉटरी की दुकान पहले थी, और फिर उसके बाद पापा ने मेरे को बहुत पीटा। बताओ। अरे तो पीटेगा नहीं, तेरा क्या, मैं होता तो मैं तो तेरी खालू झेड़ देता। बिजली के बिल से तू लॉटरी खेल, लॉटरी मेरा दूर की सोच थी मेरी, पूरा गलत ना बोले। हाँ तो तेरे बाप की, मैं सोचा गाड़ी आ जाएगी घर में। अबे तो अगर गाड़ी आ जाएगी के बच्चे, गाड़ी आ जाएगी, और अगर बिजली का बिल नहीं भरा, बिजली कट गई तो गाड़ी में सोएंगे, एसी चला के, फिर का क्या है, गाड़ी रहेगी तो। सही तोड़ा तेरे बाप ने, तेरे बाप से बात करा। एक सेकेंड, लेकिन फिर इतनी पिटाई, रात को खाजा भी नहीं खाया, मैं सो गया, और सुबह अचानक घर की घंटी बजी, तो पता है जब पापा ने दरवाजा खोला तो घर के बाहर एक लंबी गाड़ी खड़ी थी। क्या? हाँ, एक लंबी गाड़ी, लंबी गाड़ी खड़ी। हाँ, मेरे पापा की आंखों में आंसू आ गए, मेरी बब्बी की आंखों में आंसू आ गए, वो दोनों मेरे पास आए, मैं सोया था, मेरे को लिपट के ढोने लगे, बदन में दर्द हो रहा था, मैंने बोला क्या हो गया, पापा तो मेरे पैर छूने लगे, पता है क्यों? मेरी थोड़ी थोड़ी सी गल दादाजी जैसी मिलती है, पापा ने कहा मैंने अपने पापा को मार दिया, माफ कर दे बाबू मेरा माफ। तो फिर क्या हुआ सुनो, मेरे से माफी वाफी मांगी कि हमने तेरे को कल बूढ़ा मार दिया, तूने लॉटरी खेली, गाड़ी मिल गई। और तब तक पीछे से कोई आके क्या कहता पता है? क्या? कि वो बिजली विभाग की गाड़ी है, कनेक्शन काटने आए हैं। और फिर उसके बाद मेरे पापा ने दादाजी को भूल गए, फिर दौड़ते दौड़ते घर के बाहर गए, उन्होंने उठाई चप्पल, और चप्पल नहीं, वो चीज टूट नहीं सकती, जिस चीज को आप कह रहे ना टूट गई, वो टूट नहीं सकती। हाँ, दर्द जरूर होता है, पर दर्द किसको नहीं होता भाई साहब। अरे तू है, बात करना गलत। 93.5 FM बजाते रहो, लॉटरी खेलना बुरी बात है। हाँ, खेलना बुरी बात है अगर हारते हो तो, अगर जीतते हो तो फिर ठीक है, मैं लोग के बाय। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। अंकल कौन? आप ही को बोल रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ। है कौन तू? मेरे ना को एक चीज एहसास हुआ है। क्या? कि आदमी बोलते ना ये मेरे लिए लक्की है, ये मेरे लिए लक्की नहीं है।
उस चक्कर में ना पैसे फंस जाते हैं। कहाँ पैसे फंस गए? देखो क्या हुआ ना कि मैं पहले बहुत गरीब था। अच्छा, घंटा अच्छा, गरीब होता अच्छा होता है। अच्छा सॉरी, तो मैं स्ट्रगल कर रहा था, फिर मैंने एक पतलून सिलवाई टेलर से, फिर वो पतलून पे आप हो कि चल बस है, हेलो मतलब भाई मैं यही हूँ सॉरी। तो फिर बाद में मैंने एक टेलर से सिलवाया पतलून, उसने सिल दिया क्योंकि कपड़ा कम था, तो मैंने बोला छोटा सिलियो, जैसे तैसे उसमें अड़ बढ़ के मैं फिट हो गया। फिर वही पहन के मैं इंटरव्यू देने गया, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो गया भाई साहब। फिर मुझे लगा ये पैंट मेरे लिए बहुत लक्की है क्योंकि इससे मेरा काम बन गया। वही पॉइंट पे मैं धोखा खा गया, जैसे मैंने लक्की समझा मैं उस पैंट को डेली पहनता गया, हर बार पहना। फिर उसके बाद लड़की देखने गया, लड़की अच्छी मिल गई, मैंने सोचा पैंट और लकी है। फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करने गया, बिजनेस चल पड़ा, वही पैंट पहन, मतलब पैंट बहुत लकी है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, हूँ बोलते रहो भाई साहब, उसके लिए अलग बोला अलग से नहीं बोला, सॉरी। हाँ तो फिर बाद में मैंने उस ग्रो करता गया, पर पैंट नहीं छोड़ी मैंने, मेरे बटुए में पैसे भरते गए, मैंने पैंट नहीं छोड़ी। फिर एक दिन बटुए में खूब पैसा हो गया, मैंने बटुआ अंदर डाला, अब पैंट से बाहर ही ना निकले, मेरा पूरा पैसा फंस गया। अब मैं दिमाग की ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे क्यों लगाया। अब आदमी लक्की अनलक्की माने या क्या करे, बटुआ निकालू नहीं तो प्रॉब्लम, कैंची से अगर मैं पैंट फाड़ दूं तो पहले तो पैंट फटेगी। अरे पैंट नहीं, पैंट ले ले भाई जाके। जी जी बोल रहे 93.5 FM बहुआ वॉल्यूम बजाते रहो, अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो, हाँ जी कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। बहुआ कौन? हेलो, फोन क्यों किया है? फोन इसलिए किया है, दो मिनट चाहिए मेरे को, समाज में जब कोई गलत चीज देखता हूँ ना मैं, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, लोग क्या देख ले, गलत आदमी को अगर आप गलत बोलो तो चलेगा, लेकिन सही को भी अगर आप गलत में नुक्ता लगेगा भाई साहब। बोलो आप एक बार बोलो गलत। एक बार वापस, कोशिश अच्छी थी, कोशिश कोशिश नहीं गलत। मजे ले रहा है, मैं कह रहा था लोग सही को भी गलत बोलते हैं, जैसे मच्छर। मच्छर, हाँ मच्छर। मच्छर को लोगों ने इतना गलत बनाया है, मच्छर उतना गलत है नहीं। गलत तो गलत ही है मच्छर। मच्छर क्या गलत है बताओ, लोगों को लगता है काट लेता है, डेंगू हो जाता है, आईसीयू में पहुंच जाते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। कुछ चीज का फायदा होता है तो नुकसान भी होता है ना भाई साहब, नुकसान नुकसान नुकसान। उल्टे उल्टे बंद कर दियो। नहीं तो मच्छर का फायदा बता दो मैं, मच्छर एक्चुअली आपको फिट रखता है, कैसे पूछो? कैसे? रात को आप खाने के बाद सोने से पहले सेटिंग में लग जाते हो। काहे की सेटिंग? सेटिंग में लग जाते हो, आपकी मच्छर मारने वाला एक कोई प्लग लगा दिया। अच्छा, हाँ, फिर हाँ, मच्छरदानी हाँ। अगर अब तो नहीं होती मच्छरदानी, खैर खैर अब तो मच्छरदानी नहीं है, लेकिन पहले मच्छरदानी, या फिर अब रैकेट आ गया, वो रैकेट से आप मच्छर ढूंढ ढूंढ के, तो मच्छर आपको दौड़ाता है, एक्शन में रखता है, खाने के बाद आप तुरंत सो नहीं जाते, फिर बाद में, इसलिए मच्छर आपको फिट रखता है, आप दौड़ते रहते हैं रात को। इसके अलावा हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं तेरी बात। आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको बाय वन गेट वन दिलवा सकते हैं मच्छर, पूछो कैसे? कैसे? सपोज आपने सूप ऑर्डर किया, मतलब आधा पी लिया है आपने, फिर मच्छर गिर जाए। अच्छा, फिर वो हम उसको वापस बोल देंगे सर मच्छर गिर गया, फिर वो दूसरा में फ्री में दे देंगे। क्या बात है, हमें सिखा रहा है। बाय वन गेट वन है ना, बाय वन गेट वन। आपको ऑफिस में प्रमोशन दिलवाता है मच्छर, पूछो कैसे? कैसे? आप खड़े हो, सामने से आपका बॉस आ रहा है। अच्छा, और बीच में से एक मच्छर भी निकला। अच्छा, आप तुरंत मच्छर को मारने के लिए ताली बजाते हो। बॉस को लगता है, बॉस को देख के आदमी। ब्लब मैं बता रहा हूँ, आपने कहा था कि मच्छर काटने से बीमारी होती है। हाँ, बीमारी तो होती है। अगर मच्छर काटता है तभी आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, ऐसे ही कभी उठ के जाते हो ब्लड टेस्ट कराने? नहीं ना, नहीं। इस वजह से ब्लड टेस्ट करने वालों की दुकान चल रही है, उनको रोजगार मिल रहा है। किसका? अरे यार, कम से कम एक भाई आएगा तो किसी के पास। आप गलत गलत सही कौन है? गलत, हाँ मैं तो सही गलत।
क्या बोल रहे आप? तेरी हेलो हेलो भाई कौन है? हेलो चल काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो हेलो भाई कौन है? हेलो पागल का बच्चा पता नहीं कौन चल अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो तेरी जान ले दूंगा मैं, है कौन तू? सॉरी हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहे थे जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना, कौन बोल रहे हो पहले?